वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनी और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट का रिव्यू, ब्लश पैलेट का रिव्यू जो बहुत ही बजट में रहेगा एंड उसकी स्वेचेस भी बहुत अच्छे हैं, यानी कि कम प्राइस में आप अपनी वैनिटी में एक ब्लश पैलेट डाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। ये है स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट। इसके अंदर आपको काफी सारी शेड्स मिल जाती हैं, जिस तरीके से ओपन हो जाता है इजीली। प्लीज इग्नोर माय रिंग लाइट, भी मैंने ये यूज किया हुआ है सो इसलिए थोड़ा सा मैसी हो रखा है, प्लीज इग्नोर इट आल्सो। चलो इसकी स्वेचेस देख लेते हैं। इसमें दो तीन आपको कॉन्टोर शेड मिल जाती हैं एंड ये वाला एक हाइलाइटिंग शेड मिल जाएगा। ये चारों शेड मैंने स्वेच दिखाए आपको एंड ये ट्राई करते हैं। शेड हैं थोड़े से सिमिलर से लग रहे हैं, मतलब पिंकिश में है तो कोई लाइट पिंक, कोई डार्क पिंक, इस तरीके से। कितनी ज़्यादा पिगमेंटेड है, यू कैन सी है ना, बहुत ज़्यादा पिगमेंट। पर बहुत कम क्वांटिटी में पिकअप ले तो ही सही रहता, अदरवाइज ना इतना ज़्यादा पिगमेंटेड मैनेज भी नहीं होता। क्वांटिटी में ले लेके ही अप्लाई करें तो ब्लशर अच्छा अप्लाई हो सकता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो सकता है, अदरवाइज वो मैसी होने के चांस भी रहते हैं। सो मैं इसको आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। ये वाला शेड अप्लाई करके देखते हैं ना, सी कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। एंड मैंने एक वीडियो शूट करी थी इसी सेम टॉपिक पर, इसका सेम रिव्यू एक शूट किया था एंड इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में मैंने ब्लशर अप्लाई कर लिया था कि पूरी बांदरी सी लग रही थी। सो मैंने ये दोबारा से वीडियो पूरा का पूरा शूट किया है, वो मेकअप निकाल के एक फ्रेश मूड के साथ में। सो अब की बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँ, डायरेक्ट फेस पे ही अप्लाई करके दिखा दिया। नो जी नो, नाउ करना ये है, सबसे पहले अपना ब्लशर लिया एंड डस्ट ऑफ किया थोड़ा सा। सबसे पहले आप इसको अपने हाथ पर या कॉटन पैड पर हल्का सा ब्लेंड करें और उसके बाद ही अप्लाई करके हल्के हाथों से चेक करें कि किस क्वांटिटी में वो हमारे फेस पे आ रहा। देख रहे हो इतना डस्ट ऑफ कर दिया, इतना यहाँ पे ब्लेंड कर दिया, उसके बाद भी इसका पे ऑफ देखो। कि इसीलिए कह रही हूँ कि लाइट क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में ही ब्लशर का आना सही रहता है जो बिगनर्स होते हैं उन लोगों के लिए। यार जो प्रो होते हैं उनको तो चैलेंज देने की बात ही नहीं है, पर जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, सो चीज़ें धीरे धीरे ही मैनेज हो पाती हैं। कितना प्यारा ब्लश लग रहा है, हल्की क्वांटिटी में लेंगे तो इस तरीके से अच्छे से मैनेज कर लेंगे और वो ब्लेंड भी बहुत अच्छा होगा। सो ये मेरा बहुत फेवरेट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे एक साथ मिल जाती हैं, कैरी करने में इजी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, हाइलाइटर मिल रहा है, ब्रशेज मिल रहे हैं, कॉन्ट्रोल मिल रहा है, पर्स में डालो एंड दैट्स इट। इसके MRP 500 इसमें मेंशन की हुई है बैक साइड में, बट मेरे को आई थिंक ये 400 के आसपास का मिल गया था। सेल में और भी कम में निकलता रहता है, यू कैन चेक। एंड इस पैलेट का नंबर है 03 एंड बहुत सारी और भी शेड्स उसमें अवेलेबल है, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगी कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं सो यू कैन चेक इट आउट ऑल्सो ईजीली। सो अगर गाइज कुछ और रह गया उसके बारे में बताना, क्वान्टिटी की जरूरत नहीं है बताने की, काफ़ी सारी क्वान्टिटी है कि आपसे खत्म भी नहीं होगी। MRP मैंने इसकी आपको बता दी, इसका प्राइस बता दिया एंड पिगमेंट्स तो मैंने सारे दिखा दिए हैं। एक्चुअली होता यह है फ़ोन में जो है थोड़े से लाइट दिखते हैं, ब्लशर को थोड़ा सा बिल्डअप भी करना होता है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसको हल्का हल्का सा बढ़ाएंगे तो ही वो ब्लेंडेबल लगेगा, अच्छा लगेगा। सो दैट्स इट गाइज, इसके लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी से। कोशिश करूंगी कि रोज़ मिलूँ, लेकिन It's depend on my busy schedule and situation and my छोटी छोटी babies. तो मिलते हैं next video में, till then bye bye, take care all, love you.